उत्तर प्रदेश के जनपद मुरादाबाद में आज सुबह उस समय हड़कंप मच गया जब करीब 9:30 बजे टीएमयू यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट बस में बागड़पुर बाईपास मोड़ पर अचानक आग लग गई। जब बस में आग लगी तब बस बच्चों से भरी हुई थी और साथ में महिला अध्यापक भी बस में मौजूद थी। घटना जब हुई जब बस बागड़पुर में कैलासा रोड की तरफ मुड़ी, ड्राइवर प्रमोद शर्मा ने बताया कि बस के इंजन से काला धुआं निकल रहा है। ड्राइवर प्रमोद ने बस को तुरंत रोककर बच्चों और अध्यापकों को तुरंत नीचे उतरने को कहा। ड्राइवर की सूझबूझ से बड़ा हादसा होने से टल गया, लेकिन बस का इंजन जल गया। बस में लगी आग को देख स्टूडेंट्स ने तुरंत पास के घरों से पानी लाना शुरू कर दिया और लगातार पानी डालकर अपनी बस को जलने से बचा लिया। अभी तक किसी के हताहत होने की खबर नहीं है। तुरंत ही घटना की सूचना पर टीएमयू प्रशासन को दी गई सूचना मिलते ही ट्रांसपोर्ट अधिकारी मौके पर पहुंचे और आग लगने का कारण शॉर्ट सर्किट बताया जा रहा है। फोन कर दिया ट्रांसपोर्ट पे, फोन कर दिया ट्रांसपोर्ट पे, फोन कर दिया। हाँ मैं ठीक हूँ। अंदर से गली पंडित जी हो गया खुलने का, बाहर वाला क्या खुलने का है, जो भी ना खुलने का। अगर इसका ये बोनट खोलो ना, बोनट खोल के पानी मारो, बोनट खोलो, आगे से मारो, आगे से खोलो खोलो, पानी मारो पानी मारो, इसका वो लगा दो, वायरिंग मांग भाई। अब ऐसा भर लो इसको, वैसे वायरिंग से हो गया, चलो बंद हो गया। बस बढ़ा तू पहले।